किसने कितना फंड इस्तेमाल किया है, तारीखी बजट के पहले 6 माह की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी गई है। सूबाई वजीर खजाना हाजी जवाब का शहर रहीम यार खान दूसरे नंबर पर रहा। रहीम यार खान में 45% फंड इस्तेमाल किए गए हैं। सरगोदा 44% फंड के साथ तीसरे नंबर पर मौजूद है। इसी पर मजीद बात करेंगे अली रामे से। अली बताएगा क्या तफसीलात हैं इस हवाले से। अली रामे से भी रब्ता करेंगे। आपको बताते चलें कि रहीम यार खान में 45% फंड इस्तेमाल किए गए हैं। सरगोदा 44% फंड के साथ तीसरे नंबर पर है। मुल्तान 34% और डीजी खान में 32% फंड खर्च किए गए हैं। मुजफ्फरगढ़ में 32% और बहावलपुर में 30% फंड खर्च हो चुके हैं। मजीद बात करेंगे अली रामे ने हमें ज्वाइन किया। अली रामे बताइएगा क्या तफसीलात हैं। जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने ऐलान किया था कि पंजाब में उन्होंने अपना तारीखी बजट जो है वो दिया, लेकिन पहले 6 माह के ऊपर जो निसफ माली साल गुजर चुका है उसमें यूटिलाइजेशन रिपोर्ट जो जारी की गई है उसमें सिर्फ 25% तमाम सूबाई इदारे जो है वो बजट खर्च कर चुके हैं। अब इसमें एक तो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम भी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने दिया, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत कि किस जिले में कितना बजट जारी किया जाएगा उसकी भी यूटिलाइजेशन रिपोर्ट जो है वो आ चुकी है। तो इस यूटिलाइजेशन रिपोर्ट में सबसे ज्यादा कुछ जो जिले की कारकर्दगी रही है वो तो नारोवाल है, जहाँ पर 50% से ज्यादा का बजट जो है वो पंजाब हुकूमत खर्च कर पाई। और उसके बाद जो जिला दूसरे नंबर पर है वो रहीम यार खान है, जहाँ पर यूटिलाइजेशन जो है 45% रही। उसी तरह डीजी खान में 32% और खानेवाल में 40%, जबकि लोधना 27% कारकर्दगी रही। और मुल्तान की बात की जाए तो मुल्तान में जो जिला सतह पर जो पैकेज दिया गया था, डेवलपमेंट बजट दिया गया था, उसमें 34% बजट है वो अब तक खर्च हो पाया है। और इसी तरह जो दीगर इनके जिला है जनूबी पंजाब की अगर बात की जाए तो वहाँ पर भी यूटिलाइजेशन जो है वो मुनासिब नहीं रही। तब मियांवाली की बात की जाए तो मियांवाली में बजट यूटिलाइजेशन 28% रही है और सरगोधा में 44% बजट जो है यूटिलाइज किया गया। और इसी तरह मुजफ्फरगढ़ में 32%, रैया में 26% और बहावलपुर में 30% बजट जो है वो खर्च किया गया। अब इसमें जो है वो 42% के साथ जो है वो तीसरे नंबर पर रहा। अब वो यूटिलाइजेशन के हवाले से, क्योंकि पंजाब हुकूमत ने टारगेट दिया था तमाम सूबे इदारों को पहले निसफ माली साल के दौरान कम 50% बजट जो है वो यूटिलाइज होना चाहिए, लेकिन जो पहले 6 माह के दौरान जो बजट की यूटिलाइजेशन है वो मुनासिब गैर तसली बख्श रही। और इस पर अब वजीर अला पंजाब जो है वो जल्द तमाम सूबाई इदारों की एक मीटिंग जो है वो कॉल करेंगे और उसमें तो इदारों की कारकर्दगी के हवाले से ज्यादा लिया जाएगा। और पंजाब ने पहले हदायत दी थी कि जो बजट की यूटिलाइजेशन में कारकर्दगी दिखाएगा उसको उनके तारीफी इसनाद जो है वो दिए जाएंगे, लेकिन जो काम नहीं किया करेगा उनको अदम इतमाद का जो है वो अदम इतमान का लेटर जो है वो जारी किया जाएगा। तो इससे पहले भी वजीर अला पंजाब ने ये लेटर जारी किया और अब मजीद लेटर जो है वो जारी किए जाएंगे। जी मजीद लेटर्स भी जारी किए जाएंगे। बहुत शुक्रिया लिया हमें अपडेट करने के लिए।